झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर हाँ ये बात है कि शराब बहुत ज़्यादा पीता था, ये सुने सबसे। अब मेन बात है देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था ना यहाँ पे। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया। हम लोग के मन में भी हजार सवाल है क्यों किया ऐसे। वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया वो। कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, क्या काम करता है? पहला बात है मेरे 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है, मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया है। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यही तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा, मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे, मेरे पापा कुछ। आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़स पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना। मेरे भाई को जॉब मिला तो मेरे खुशी की बात है, हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है, तो बोले तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाभी है। तो हम दो बीवी को देखे थे, पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है, तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम दो ही बीवी को जानते हैं, दो बीवी, दो शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे चार किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़कियां देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गिए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है, बाजार हाट में कुछ नहीं जाता, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो एक बार दो बार जाते हैं मंदिर वगैरह पूजा करने से, तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का क्या बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा, कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात की कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपने देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वो ही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है, एक बहन के नाते या एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं उसको, जो मृतका है उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको, अब सरकार को और आईन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए, उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आईन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर, ये बात हम बोलेंगे। शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर हाँ ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने सबसे। और मेन बात है देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था ना यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है, ये तो कभी देखते मॉर्निंग होता है कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। हम सबसे बड़ा हम बाहर जब भी निकले, बहुत दिन बहुत साल हो गया उसको देखे ही नहीं है।
महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद दो शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ, महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते, आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता था। ठीक। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए, उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है मगर वो तो गलत काम किया ना, जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था, कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर? ये बात हम बोलेंगे, शराब शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने, जो सुने हम कैसे बोले बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है इसके साथ हो रहा, ऐसा नहीं देखे, मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे, और मेन बात है देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है, ये तो कभी देखते मॉर्निंग होता है कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है, और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बड़ा हम बाहर जब भी निकले, बहुत दिन बहुत साल हो गया उसको देखे ही नहीं है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के इस वक्त हम घर के मौजूद हैं, और उसके घर के पास एक छोटी सी कॉलोनी है जो शंभू पंडित नाथ मार्ग के पास है, और यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं वो छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, संजय रॉय भी एक छोटे से घर में रहता था, वहाँ पे खाली उसकी माँ है। संजय रॉय के बारे में उसके पड़ोसी ने बताया कि उसने 4 शादियां की हैं, वो नई शादी कब कर लेता था, उसकी पुरानी बीवी कब चली जाती थी किसी को यहाँ पे नहीं पता था। अगर यहाँ के आपको एरिया दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि हर एक कमरे में हर एक इंसान का घर है, यानी छोटे छोटे कमरों में यहाँ पे लोग रहते हैं, और एक दूसरे की जो प्राइवेसी है वो आराम से यहाँ पे शेयर हो सकती है। लेकिन संजय राय कब नई बीबी लेके यहाँ पे आता था किसी को नहीं पता था, उसकी पिछली बीबी की 1 साल पहले कैंसर से डेथ हुई है, उसके बाद यहाँ कोई औरत नहीं आई, लेकिन आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि संजय राय का व्यवहार यहाँ पे ठीक नहीं था, वो यहाँ शराब पी के आता था, अपने को पुलिस में बताता था कि वो पुलिस में काम करता है, और यहाँ पे उसका व्यवहार जो एक व्यवहार होता है व्यवहारिक इंसान होता है वैसा व्यवहार उसका यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे वो शराब पी के आता था तो लोग उससे यहाँ बात नहीं करते थे। यहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि हम सब आपस में दूसरे से मिलजुल के रहते हैं लेकिन संजय राय से यहाँ पे कोई बात नहीं करता था। तो फिलहाल संजय राय इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, पड़ोसी हैरान है कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स इतने जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया है, उसकी माँ को विश्वास नहीं हो रहा है, उसकी बहन का कहना है कि जो पुलिस और सरकार जो सख्त से सख्त सजा दे वो सजा संजय राय को मिलनी चाहिए। कैमरामैन सचिन रावत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, कोलकाता।